नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर निकल के सामने आई है, जहां जेजेपी पार्टी को लगा बड़ा झटका। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के करीबी 200 कार्यकर्ताओं ने पार्टी को किया अलविदा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुरुग्राम जिले में जननायक जनता पार्टी से मोहभंग होने के कारण पार्टी छोड़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। दो दिन पहले पटौदी मंडल अध्यक्ष समेत कई लोगों ने इस्तीफा देकर जिला अध्यक्ष ऋषि राज राणा पर अनदेखी का आरोप लगाया था। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विशेष सहायक महेश चौहान ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में अजय चौटाला के करीबी दोस्तों को महत्व देने की बजाय उनकी अनदेखी की जा रही है। उन्हें पार्टी के खास कार्यक्रमों से दूर रखा जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि महेश चौहान अपने 200 कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं, वह उनकी इच्छा थी। बता दें कि बोडा कला निवासी महेश चौहान जननायक जनता पार्टी के अजय सिंह चौटाला के खास माने जाते थे। उप मुख्यमंत्री ने उन्हें अपना विशेष सहायक बनाया था। हालांकि जिला अध्यक्ष ऋषिराज से उनका आंकड़ा 36 का था। महेश के अलावा पिछले 45 साल से चौधरी देवीलाल परिवार से जुड़े जजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता फूल सिंह सैनी समेत 9 कार्यकर्ताओं ने पटौदी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा की घोषणा की। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है, उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों की जानकारी भी नहीं दी जा रही। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।